शिव महापुराण सुनने के कुछ नियम हैं, कुछ पद्धतियां हैं और कुछ तरीके हैं, उस पर ध्यान दो। बोले निराहारो यताहारो तन मनस्को समाहितो। जब तुम शिव महापुराण सुनने जा रहे हो तो प्रयास करना, अगर हो सके तो व्रत करके शिव महापुराण सुने, और संभव न हो सके, शरीर रोगी हो और शरीर तुम्हारा साथ न देता हो, तो तुम एक समय भोजन करके कर सकते हो, और उसमें भी तुम्हें असुविधा हो तो भोजन तो चाहे कितनी ही बार कर लेना, लेकिन शिव महापुराण पूरे मनोयोग से श्रवण करना, और एक आसन पर बैठकर शिव महापुराण सुनना चाहिए। बार बार उठना, यहां वहां देखना, कुत्ता आया, बिल्ली आया, बच्चा आया, छोटा आया, बड़ा आया, लाइट गई, जनरेटर चला गया, इन सब चीजों में अपने मन को भटकाना शिव महापुराण से नीचे गिर जाना होता है। एक आसन पर बैठकर एक ही जगह सुनिश्चित होकर के बैठे, बहुत बड़ी कोई प्राकृतिक आपदा न हो, जब तक कोई बहुत बड़ी असुविधा न हो, तब तक प्रयत्न करें कि एक ही आसन पर एक जगह बैठकर पूरे भाव के साथ शिव महापुराण का श्रवण करें, और पूरे मनोभाव में, पूरी भक्ति के साथ में ओम नमः शिवाय का मन ही मन जाप करते रहें, मन ही मन महादेव का नामोच्चारण करते रहें, और बीच बीच में मेरा हर पल हर क्षण शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है, ऐसा भाव बना कर रखें। और जब तक व्यास जी उठ नहीं जाएं, तब तक अपना आसन नहीं छोड़ना चाहिए। पहले प्रारंभ और अंतिम की आरती संपन्न करने के बाद ही शिव महापुराण से उठना चाहिए।